सभी को ईद उल जुहा एवं डोल ग्यारस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। बड़े धूमधाम से मनाई गई ईद। गुना जिले के आरोन तहसील में ईदगाह पर बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर तहे दिल से बधाई दी। इस मौके पर आरोन SDM अरविंद वाजपेयी सहित TI अभय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इसी प्रकार गुना में भी ईद पर सब लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समुदाय सुबह एकत्रित होकर ईदगाह पहुंचा, जहां उन्होंने देश की अमन शांति के लिए नमाज पढ़ी एवं दुआ मांगी। राधोगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज SDM को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि नगर के मुख्य मार्गों पर गौमाताओं की आए दिन वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं में सैकड़ों गायों की मृत्यु हो रही है। राधोगढ़ तहसील के अंतर्गत चरनोई भूमि पर ग्रामीणों द्वारा जो कब्जा किया गया है, उस भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में राधोगढ़ के मुख्य चौराहे पर चाइना के सामान का बहिष्कार किया गया एवं चाइना सामान की जोरदार विरोध किया गया। चीन उसी पैसे का भारत के खिलाफ दुरुपयोग कर रहा है। सभी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों व्यापारी भाइयों ने संकल्प लिया कि चीन की कोई भी वस्तु ना ही खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे, केवल स्वदेशी ही अपनाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित जिला सुरक्षा प्रमुख गोलू ओझा, प्रखंड सहमंत्री अर्जुन गुर्जर, प्रदीप केवट आदि सहित विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राधोगढ़ जिला द्वारा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि आज 1 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन, सभी व्यापारी बंधुओं से, दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि चीनी वस्तुओं का व्यापार न करें। उस व्यापार से और उस पैसे से जो पैसा जो व्यापार से आता है वो चीन तक पहुंच रहा है, उसकी चीनी वस्तुओं द्वारा वो भारत की सीमा पर जो हमारे सैनिक भाई हैं जो अपनी भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान उस पैसे से भारत की बर्बादी के लिए गोलियां खरीदते हैं और अपने सैनिकों पर बरसाते हैं। और सभी व्यापारी भाइयों से एवं समाज के बुद्धिजीवियों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आग्रह करता है कि देश में जो अपनी स्वदेशी वस्तुएं उनका ही उपयोग करें और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन भारत को आगे दिखा रहा है। चीन की वस्तुओं द्वारा जो पैसा चीन में जा रहा है उससे चीन पाकिस्तान को आर्थिक मदद और पैसे के रूप में बोलिए अपने सैनिकों को दे रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद व्यापारी भाइयों से राधोगढ़ के नगर वासियों से अनुरोध करते हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। भारत वंदे।
म्याना में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर म्याना में धूप दशमी के अवसर पर वर्धमान ग्रुप द्वारा गोमतेश्वर बाहुबली जी की आकर्षक झांकी लगाई गई। देखिए जिस तरह झांकी लगाई गई है म्याना जैन मंदिर में, नाबालिग बालिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार नानाखेड़ी निवासी नाबालिग बालिका मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही थी। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। नानाखेड़ी की घटना कैंट थाने का मामला। एक नाबालिग लड़की निवासी नानाखेड़ी के, जिसने गले में फंदा डालकर फांसी लगा दी। मौके पर जाकर जांच की गई, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, प्रकरण कायम करके जांच में लिया गया। प्रकरण अभी स्पष्ट नहीं है। मानसिक रूप से परिवार वालों का कहना है कि मानसिक रूप से कमजोर थी। घटना कल 5 बजे, शाम 5 बजे के पूर्व की बताई। सांप के काटने से कालीबाई उम्र 40 वर्ष की मौत। खेत पर पानी डालने जा रही कालीबाई का पैर एक सांप पर आ जाने से सांप ने उसे काट लिया, जिससे मौके पर ही कालीबाई की मौत हो गई। उसके बाद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहगढ़ के ग्राम पार्टी की घटना। मेरे भाई साहब खेत में दवा डाल रहे थे, तो मेरी भौजाई जी नाले में पानी लेके और वापस खेत पर जा रही थी ना, तो कम से कम 1 किलोमीटर का फैसला उसके खेत के नाले के बीच में, तो उस रास्ते में उसके पैर रख गया, उस पर सांप पे उसने खा लिया, काट लिया उसको। और फिर हम उसको लेके अस्पताल आए, तो वो रास्ते में ख़त्म हो गया। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज स्थानीय चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन अशोकनगर में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक पर FIR करने के विरोध में था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने
तो उनके जिला संयोजक अशोकनगर पर गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है। इसमें नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष पति और CMO ने कार्रवाई की है। वहीं इनकी मांग है कि बिना किसी जांच के FIR करना गैरकानूनी है। हमारा आंदोलन है नगर पालिका अशोकनगर के खिलाफ में। नगर पालिका अध्यक्ष पति और CMO ने मिलकर जनता की आवाज़ उठाने पर रितेश जैन जिला संयोजक पर FIR लिखवाई है। उसके विरोध में आम आदमी पार्टी ऐसे ही जनहित के काम में आवाज़ उठाती रहेगी। FIRों से डरने वाले नहीं, हम चाहते हैं कि बगैर जांच के FIR कैसे दर्ज की गई, जांच की जाए, उसके बाद में जो भी कानून में आता हो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। उस संदर्भ में उनके ऊपर भी FIR की जाए, वो जनहित के काम नहीं करते। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि BJP की तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही को बंद करे और जनता के हित में काम करे। आज रामलीला मंच का विधिवत पूजन होकर झंडा वंदन किया गया। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से रामलीला का आयोजन बड़ी मंडी स्थित परिसर में किया जा रहा है। इस वर्ष भी इसका आयोजन 16 सितंबर से किया जाएगा। इस हेतु आज रामलीला के सभी कलाकार एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विधिवत पूजन अर्चन कर झंडा वंदन किया। मंदिर पे आज झंडा वंदन हुआ रामलीला समिति द्वारा, सभी कलाकार निर्देशक सभी पूरी कमेटी द्वारा। शाम को 4 बजे से फूल ढोल ग्याल चल समारोह का जल विहार यहीं से विगत 8 साल से चल रहा वो कार्यक्रम है। 16 तारीख से रामलीला का शुभारम्भ हुआ जो 30 तारीख तक दशहरे के दिन इसका समापन हो जाएगा। सर्पदंश से हुई अनीता बाई की मौत। मार की महू निवासी अनीता बाई अपने खेत पर निदाई का कार्य कर रही थी, तभी उसके पैर पर कुछ काटे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद वह घर आ गई। घर आने के बाद महिला की हालत बिगड़ी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। परिजन उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे छोटे भैया की लाड़ी का जे सरप ने फल इतना क्या कर रही थी? खेत में निदाई कर रही थी। फिर उन पता कैसे चला? पैर में दब गया 3 बार बम इसमें पैर से छेट गया। आपको कैसे पता चला? मेरे घरवारी है थी। हाँ, साथ में थे? साथ में मेरी घरवारी है थी। हाँ, इसने कितने बजे की बात है? 2:30 बजे की बात। हाँ, फिर वहाँ से वो पैर बांध के और घर पर रंग आई। घर पर रंग के आने पर इसको नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन आज स्थानीय अंबेडकर भवन में किया गया। उक्त बैठक का आयोजन आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली किस तरह की हो इस संदर्भ में रखा गया। हम कह रहे हैं आप पार्टी से बात करो, अपने आप से आपके आने वाली पीढ़ी का मतलब आप ही बेटे बेटे नहीं, आप अपने समाज के कुछ गरीब लोग, बेसहारा लोग, ग्रामीणों में बसे हैं, हमारे शहर के बहुत बस्तियों में बसे हैं,
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी के जिला तत्वाधान में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी मुख्य अतिथि हमारे ग्वालियर जोन के प्रभारी इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी हैं और हमारे जिले की समीक्षा के हेतु जिले में कितना काम सेक्टर पोलिंग और नगर परिषद नगर पालिका में कितना काम हुआ है, ये सारी समीक्षा हमारे प्रभारी जी दे रहे हैं और आगे 5 तारीख को भोपाल में बैठक है उसमें। डोले में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले गणपति बप्पा। गुना जिले के आरोन तहसील में डोल ग्यारस के पावन पर्व पर नगर में विशाल चल समारोह निकाला जा रहा है। डोली में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले गणपति बप्पा। आपको बता दें कि यह चल समारोह नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सनातन धर्मशाला पहुंचेगा। चल समारोह में अखाड़ेबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय सैन समाज ने ओझा धर्मशाला में किया बैठक का आयोजन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सैन समाज के बंधुओं ने उक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से सैन समाज को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल करने हेतु था। सैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज तक अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया तो वह बहुत जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। भारतीय सैन समाज गुना के नेतृत्व में सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। 7 नवंबर 2017 को इंदौर के अंतर्गत 1 लाख लोगों को सैन समाज के एकत्रित होकर अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष में रखेंगे। 23 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया था कि सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। उसी संदर्भ में 10 साल बीत चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी सैन बंधु एक होकर एकजुटता का परिचय देकर हम अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं और सभी इस कार्यक्रम को माननीय नंदकिशोर वर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुभाष वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं हमारे शंभू जी सैन उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी लाल जी सैन, गोविंद जी सैन, सभी लोग इस कार्यक्रम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैन बंधुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैन बंधुओं को एकत्रित कर सैन समाज गुना के अंदर से 7 नवंबर 2017 को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सभी सैन बंधु एकत्रित होकर अपना संकनाद करेंगे। 30 अगस्त 2017 को इस कार्यक्रम का संकनाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा जी द्वारा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट से आरंभ कर दिया गया है। मैं भारतीय सैन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष नवल किशोर सैन गुना से। चौदह वर्षीय नाबालिग गिरी ट्रेन से। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा नायर
जो कि ग्राम मोहरी आरोन की रहने वाली है, आवन रेलवे लाइन के पास बने पुल के पास गिर गई, जिसके उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बच्ची गेट से अचानक गिर गई थी, जिसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका बेटा? नाम क्या नाम है आपका? कहाँ की हो आप? कौन से गाँव हो? मोहरी गेंगी। मोहरी? हाँ। मोहरी गेंगी कहाँ है ये? कहाँ है मोहरी? आरोन के पास। आरोन के पास? आरोन के पास। आप किसके साथ जा रहे थे अभी? कौन है तो अभी कहाँ जा रहे थे आप? बेहोश हो गई। अरे ले जाओ ना तो बात करो। चलो आज नगर में डोल ग्यारस के मौके पर विशाल चल समारोह स्थानीय निचला बाजार पर निकाला जा रहा है, जिसमें गुना की सभी झांकियों का चल समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें कई अखाड़ों ने अपनी शिरकत की। यह चल समारोह रात तक चलेगा। इसके बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। ग्राम कोठिया में एक मकान निर्माण के विवाद को लेकर 5 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। ज्ञात रहे कि युवक पर हमला किसी धारदार हथियार के द्वारा किया गया है। जाए साहब वो मकान की तलाई कर रहा था, सत्यन और सत्यन के घर से रानी भाई और सुशीला भाई दोनों ने आपके हाथ पकड़ लाए। सत्यन ने कुल्हाड़ी मार दी। कौन सी अगली बात है? कोठिया गाँव। क्या विवाद था? कोई पुराना वगैरह विवाद वगैरह? विवाद विवाद कुछ नहीं था साहब, थोड़ी का दीवार है थी जई यदि के जाए थे हटा लो बस, और कुछ विवाद ही नहीं था साहब। क्या नाम है बच्चे का? मेघराज सिंह। और क्या चीज़ से मार दिया? कुलाड़ी के अलावा कोई और भी? नहीं, कुलाड़ी और एक ही दो मारी छाती में। कितने टाँके आए? 10-12 टाँके। 12 डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।